हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। सो सुबह के हो रहे हैं 8:30 और मैं और बेबी हम दोनों जा रहे हैं, और विष्णु हम तीनों जा रहे हैं डे स्प्रिंग हॉस्पिटल बेबी को लेके, क्योंकि मेरा और बेबी का दोनों का आज रूटीन चेकअप। हमसे भी तो बात किया करो, लाइट फैन को देखते रहते, हमसे भी तो बात करो, मुझे भी तो बात करो बच्चा, हमसे भी तो बात करो यार। हाँ इधर देखो, इधर इधर इधर, मैं उधर ही जाके खड़ी हो जाती हूँ, है ना। तो बेबी का और मेरा चेकअप, दोनों का रूटीन चेकअप हो चुका है, और बेबी का वेट भी 5 kg है। अच्छा आया, जितना हम सोचे थे कि इतना एज के हिसाब से तो उतना ही आया है। पता है आप लोगों को क्या हुआ, हम लोग डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद वहाँ पर कुछ दवाई नहीं मिली मेडिकल स्टोर में, तो हम अपने एरिए में आए, वहाँ से हमने मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए हम लोग अंदर गए थे। बेबी मेरे गोद में था और विष्णु पकड़े थे मेरा हैंड बैग, और वो फिर बात करते कि देखो ये दवाई चाहिए, ये सब बता रहे थे, प्रिस्क्रिप्शन दे दी, ये दवाई चाहिए। तो विष्णु हैंड बैग पकड़े थे, उन्होंने रख दिया काउंटर पे रख दिया, और हम लोग दवाई लिए वहाँ से चल दिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग घर पे नीचे आए, गाड़ी पार्क की, फिर विष्णु को मैंने बोला एक काम करो आप बच्चे को ऊपर लेके जाओ और मैं हैंड बैग लेके आती हूँ। उन्होंने बोला हैंड बैग में चाबी, मतलब हाँ हैंड बैग में चाबी, मैं लेकर देखा तो हैंड बैग है ही नहीं। फिर मैंने हैंड बैग कहाँ है, बोलते हैंड बैग, मतलब अरे जल्दी भागो मेडिकल स्टोर पे, हैंड बैग रह गया, कोई कुछ ले लेगा, भागो जल्दी। ये फ़ौरन यहाँ से भागा। अच्छा हुआ कि याद रहा कि चाबी हैंड बैग में, अगर चाबी इनके पास होती विष्णु के पास तो हमें याद ही नहीं रहता कि हैंड बैग भी हम लाए थे। फिर तुरंत उसी वक्त नीचे से जोर से जल्दी से भागे, और वहाँ पे उन लोगों ने पहले से वो हैंड बैग साइड में लेके रखा हुआ था, थैंक्स टू गॉड। जो लेके आया मैंने चेक किया सारा सामान उसमें जैसे मैंने रखा था वैसे ही था, और मेरा फ़ोन भी था उसमें, फ़ोन ऐसे ही कैसे था, सब कुछ चीज़ें ऐसी थी, पैसे वगैरह नहीं थे क्योंकि मैं नहीं डालती, क्योंकि ऐसे है ना कि बच्चे के चक्कर में ना मैं हैंड बैग कहीं ना कहीं रखना रख देती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ रख के कहीं पर भी, क्योंकि बच्चे को गोद में लेना, हैंड बैग लेना, तो वो दोनों चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए मैं कभी अपने संग वॉलेट वगैरह कुछ मैं कैरी करके नहीं जाती, तो मेरे पास कुछ भी कैश या ATM कार्ड मेरे पास नहीं था, मैंने विष्णु के पास रखा हुआ था, तो उसमें कुछ भी था, बस बच्चे से जो रिलेटेड सामान है वही था। तो ये था कि बस मेरा मोबाइल था, तो ऊपर वाले का धन्यवाद कि चलो सही समय पर ये पहुंच गए, उन लोगों ने अच्छे थे कि उन लोगों ने साइड में रखा और मोबाइल वगैरह जो भी सामान वगैरह वापस आ गया। ओके गाइस, तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:30 और हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे। विष्णु का पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आज फैमिली को सरप्राइज़ दें, तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग अभी मम्मी पापा के घर जा रहे हैं, और पापा तो नहीं है, मम्मी हैं, बहन भाई जो मेरे घर पर, बाकी के आप लोग जानते हो व्लॉग देखते जो होते हैं वही हैं। तो जाके चले चलते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं, पिज्जा ऑर्डर करेंगे मैं और विष्णु आज। ओके, स्कैनर लाए ना, जा रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं, दो दो पिज्जा। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर,
नहीं नहीं बोलो बोलो, नहीं 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 ये क्या है, खोलना भैया। भाभी इधर आओ, वो पैकेट खोलो, आओ। खोलना भाभी निकालेंगे। यस ये कान आपने ही बोला था। हाँ तो आज की चाय बनी है विष्णु जी के द्वारा, घर में है प्रेयर। बाबू बहुत खेलते हैं, छोटे से बाबू बहुत खेलते हैं भैया। ये जो आना होता है ना, ये छोटे से बाबू बहुत खेलते हैं। दिवाली के टाइम पर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहा है। बैलेंस दूध पिया, सडन एकदम से पी लिया दूध, अनएक्सपेक्टेड था। दूध पी लिया, पी लिया दूध, दूध पी लिया। तो इसमें मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और यहाँ पे तेल रखा है पापड़ के लिए। रोटी पराठे खा खा के हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो सोचा कि आज हम लोग खिचड़ी खा लेते हैं, और फिर नुकसान ना हो क्योंकि रात में वैसी ठंड है, फिर चावल खाएंगे तो ठंडी हो जाएगी। अच्छा सीटी आने वाली है, एक सेकेंड। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने सोचा कि खिचड़ी खा लेते हैं, वो भी सिर्फ नमक और हल्दी की बनाई है, चावल है और ग्रीन वाली दाल है। तो गाइस सुबह के हो रहे हैं 5:20 और आज है 4 जनवरी। तो यही टाइम मिलता है मुझे एडिटिंग करने का और जो मेरा जो भी काम है वगैरह वो करने का, क्योंकि मतलब जैसा हम प्लान करते हैं वैसा नहीं हो पाता। अभी बच्चा भी 5 बजे उठ जाता है सुबह, तो बेबी जाग रहा सुबह 5 बजे उठ गया। फिर मैं सोची कि अब 5 बजे डेली की तरह उठ गया, काम कैसे होगा। फिर मैंने जैसे तैसे अभी सुलाया 20 मिनट में तो सो गया। तो ये समय मैं यूटिलाइज़ करती हूँ जैसे कि अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि आज 4 जनवरी हो गई, कल से ब्लॉग बन रहा है, तो आज 4 जनवरी को 8 बजे आपको मिल जाएगा। और प्लस ये भी है कि मेरा जो बाकी का काम है वो भी हो जाएगा। इस जल्दी से इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और मुझे भी एडिटिंग करना है ताकि मैं नेक्स्ट डे का ब्लॉग बना सकूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।